बेरला ब्लॉक मुख्यालय में सरकारी अस्पताल में ड्यूटी कर रहे स्टाफ नर्स के अभद्र व्यवहार के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। कांग्रेसी नेता पर स्टाफ नर्स के साथ मारपीट करने का आरोप जो है लगाया गया है। कांग्रेसी नेता की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई को लेकर डॉक्टर सहित पूरे स्टाफ धरने पर बैठे, उसके बाद पैदल चलकर सभी थाने पहुंचे। बताते बेरला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स शशिलता बेलचंदन बीती रात नाइट ड्यूटी पर थी, जिसके साथ बेरला निवासी जितेंद्र जोशी स्टाफ नर्स के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट करने लगी, जिसके बाद पूरे हॉस्पिटल केंद्र में दहशत का माहौल बन रहा है। पूरे मामले को लेकर आरोपी जितेंद्र जोशी के खिलाफ FIR दर्ज की गई। सर, मैं रात्रिकालीन ड्यूटी में थी। 8 बजे से हमारी ड्यूटी स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे यामिनी राउत नाम की पेशेंट थी, जो कि शाम को ही 6 बजे से 6:30 बजे उसको डॉक्टर नरेंद्र महेश्वरी ने रिफ़र कर दिया था। उसकी जानकारी उनको दे दी गई थी, उनके रिश्तेदारों को, तो हम उसी के पास ही खड़े थे। उसी समय एक जितेंद्र जोशी नाम का व्यक्ति आया, अचानक से वो हंगामा करने लग गया, तोड़ फोड़ करने लग गया और टेबल को फेंक के मेरे पैर पर मारा। उसके बाद मैंने उनको कहा कि आप ऐसा कर रहे हो भैया, जो भी है हमको अनकंफर्टेबल फील मत कराइए और ऐसा भद्र व्यवहार मत करिए और हमारी कार्य में आप बाधा उत्पन्न मत कीजिए। पर उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ गाली गलौज की। रात CSC बेरला में नाइट ड्यूटी में शशिकला बेलचंदन स्टाफ नर्स जो वहाँ ड्यूटी कर रही थी, तभी बेरला का ही जितेंद्र जोशी वहाँ नशे की हालत में आया, और चूंकि वो एक महिला ऑलरेडी गार्मेंट थी जिनको रिफर रैपर किया जा रहा था, जबकि वो जितेंद्र जोशी महिला को पहचानता नहीं था, उसके बावजूद भी उसी बात पर से कि यहाँ पे इलाज ठीक से क्यों नहीं हो सकता, यहाँ रिफर क्यों कर रहा रैपर, ये कहकर गाली गलौज किया और तोड़फोड़ करने लगा। तो क्या कार्रवाई हुई अभी इसमें? FIR की गई है।